और ये चला नितिन, चार नंबर की जर्सी का खिलाड़ी, जर्जर टीम का हिस्सा। मैम साइड हो ना मैम, पानीपत पहला क्वार्टर फाइनल मैच होगा पुरुष वर्ग का। दोनों टीमें अपने आप को तैयार कर ले, पानीपत वर्सेज पलवल। उसके बाद दूसरा क्वार्टर फाइनल मैच होगा महेंद्रगढ़ वर्सेज चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ वर्सेज चरखी दादरी दूसरा क्वार्टर फाइनल मैच। और तीसरा क्वार्टर फाइनल मैच फरीदाबाद वर्सेज भिवानी, फरीदाबाद वर्सेज भिवानी। और चौथा और अंतिम क्वार्टर फाइनल मैच सोनीपत वर्सेज इस मैच का विजेता। हेलो 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 भाई, ये माइक की आवाज कैसे कम होगी? श्री जसवंत देसवाल, देसवाल भट्टा गांव खेड़ का, अपनी नेक कमाई से इस आयोजन को सफल बनाने के लिए 11,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि श्री जसवंत देसवाल जी दे रहे हैं। मैं उनका हार्दिक हार्दिक धन्यवाद करता हूं। भगवान इनको दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति दे। श्री जसवंत देसवाल जी साइड देंगे। अभी अभी सूचना मिली है मंच के माध्यम से, श्री जाकिर हुसैन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा बीजेपी, उनके छोटे भाई हमारे मध्य पहुंचे हैं। मैं बीजेपी उनके भाई साहब हमारे मध्य पहुंचे हैं, मैं उनका यहाँ आगमन पर हृदय की गहराइयों से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ।
हमारे मध्य श्री जाकिर हुसैन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अरब संख्यक मोर्चा बीजेपी के छोटे भाई हमारे मध्य पहुंचे हैं। मैं भाई साहब का इस आयोजन में आगमन पर इस गांव की तरफ से इस खेल कमेटी की तरफ से हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। ढोल मालाओं लेकर उनको यहां मंच तक लाने का कार्य करें इस गांव के सम्मानित बुजुर्ग श्री जाकिर हुसैन जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अरब संख्यक मोर्चा बीजेपी उनके भाई हमारे मध्य पहुंचे हैं। मैं उनका यहां आगमन पर इस गांव की तरफ से इस खेल कमेटी की तरफ से हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा बीजेपी जाकिर हुसैन के भाई साहब हमारे मध्य पहुंचे हैं। मैं भाई साहब का यहां इस आगमन पर पहुंचने पर हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। मैच का हाफ टाइम हो चुका है। मैदान नंबर एक पर मैच चल रहा है झज्जर वर्सेस सिरसा। बलजीत को सब स्कोर बताइए एक बार। 17-4 झज्जर के पक्ष में। हाफ टाइम स्कोर 17-4 इन फेवर ऑफ झज्जर। अगली दोनों टीमें बिल्कुल अपने आप को तैयार रखें। पलवल वर्सेस पानीपत प्रतियोगिता का पहला क्वार्टर फाइनल मैच होगा। दोनों टीमों के टीम इंचार्ज से मेरा निवेदन, आप अपनी टीमों को तैयार कर ले। हमारे मध्य श्री जाकिर हुसैन के भाई पहुंचे हैं। मैं भाई साहब का यहां इस खेल आयोजन में आगमन पर भाई साहब का इस गांव की तरफ भाई साहब का पगड़ी से मान सम्मान किया जा रहा है। पगड़ी का मान सम्मान हमारी संस्कृति का बहुत ही बड़ा अहम मान सम्मान होता है। पगड़ी बांध करके सम्मानित किया जा रहा है भाई साहब को। फोटोग्राफर भाई इस जिला जज्जर की टीम में इसी गांव का खिलाड़ी 5 नंबर की जर्सी का खिलाड़ी कृष्ण और 7 नंबर की जर्सी का खिलाड़ी नितिन इसी गांव के खेड़का के ये बेटे हैं। कृष्ण खेड़का का खिलाड़ी रेड करता हुआ जज्जर टीम का हिस्सा कृष्ण। झज्जर की टीम इस मैच पर अपनी बढ़त बनाए हुए और ये इस खिलाड़ी ने सुपर है अपनी टीम को 3 अंक दिलाने का कार्य किया 2 नंबर की जर्सी के इस रेडर ने। Yeah.
फोन भी लाऊं छियानवे 670 52 040 हमारे मध्य मेदांता हॉस्पिटल डॉक्टर साहब का यहाँ आगमन पर मैं इस गांव की तरफ से इस खेल कमेटी की तरफ से हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ जो अपना इतना कीमती समय निकाल कर इस आयोजन की शोभा बढ़ाने के लिए डॉक्टर साहब मैं उन्हें आपका हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। डॉक्टर सौरभ नंदा क्रिटिकल केयर इंचार्ज मेदांता जो अपना कीमती समय निकाल कर डॉक्टर साहब हमारे मध्य पहुंचे हैं, मैं डॉक्टर साहब का पुनः यहाँ पहुंचने पर हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन धन्यवाद करता हूँ। डॉक्टर साहब का पगड़ी से मान सम्मान किया जा रहा है। डॉक्टर सौरभ नंदा जी जो अभी अभी हमारे मध्य पहुंचे हैं, पगड़ी का मान सम्मान बहुत ही बड़ा मान सम्मान हमारी संस्कृति में। आपने इतने बिजी शेड्यूल में से अभी समय निकाला डॉक्टर साहब ने और इस आयोजन की शोभा बढ़ाने के लिए हमारे मध्य पहुंचे डॉक्टर साहब, बहुत बहुत मैं इनका आभार व्यक्त करता हूं। भाई साहब आवाज़ चिप्पी मारना जब बंद कर और मैच समाप्त हो चुका है, अनाउंसमेंट हो चुकी, दोनों टीमें मैदान पर आ जाए। पलवल और पानीपत पहला क्वार्टर फाइनल मैच है, इस मैच के समेत 7 मैच बाकी रहते हैं, आप समझ सकते हैं फिर होश आ जाएगी, फाइनल कैसे हो पाएगा। आज इस प्रतियोगिता का जो है समापन बिल्कुल सही समय पर करना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे मुख्य अतिथि जी बिल्कुल सही समय पर हमारे बीच में होंगे। अभी यहाँ आगमन पर हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन
स्वागत करता हूं श्री सौम्य जी कब लाना, जो अपना कीमती समय निकाल कर हमारे मध्य पहुंचे हैं। स्वागत कमेटी, मेरा अनुरोध है आपसे, अमेचर कबड्डी एसोसिएशन हरियाणा के वाइस प्रेसिडेंट श्री धर्मवीर सिंह जी मलिक बहुत ही जल्द हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं, आप उनके स्वागत की तैयारियां पूरी कर लें। और पलवल टीम मैदान पर पहुंच चुकी है, पानीपत टीम भी जल्दी आए। पहला क्वार्टर फाइनल मैच है, दो बज चुके हैं, इसके बाद छह मैच और रहते हैं, आप समझ सकते हैं कैसे खेल पाओगे। जल्दी आइए, प्रवीण इनके कोच हैं, एशियन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट, आप टीम को लेकर के आ जाए। ऑफिशियल से अनुरोध है, मैच शुरू कराइए, थोड़ा स्पीड करिए और एक बार लाइन अप कर लीजिए हमारे बीच में मंच पर। भाई इसको घुमा देगा थोड़ा, मैच रहा हुआ यार, अब आधा मैच पूरा हो गया, थोड़ी देर घुमा देगा। दोनों टीमों को लाइन अप कराए, मेरी ऑफिशियल साहब से प्रार्थना है, हमारे अतिथि साहिबान डॉक्टर सौरभ नंदा जी और मेरे सम्मानित मंचासीन सभी अतिथि गण जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि एक बार आए सुमित भाई साहब, सभी हमारे मंचासीन अतिथि गण साहब, सतपाल सर जी, कोकर साहब, डॉक्टर सौरभ नंदा आर्टिकल केयर इंचार्ज मेदांता हॉस्पिटल, दोनों टीमों से परिचय करते हुए उनके साथ है हमारे भाई सुमित देशवाल, ये भी मेदांता में ही कार्यरत है। हो गया दोस्तों, डॉक्टर सौरभ नंदा।